नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड नेटवर्क में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक विषय लेके आए हैं, वायरस। इसे हम ये तो नहीं मानते कि सभी जानते होंगे, पर हाँ हमें इतना जरूर पता है कि आधे से ज्यादा जनता जरूर जानती होगी, वरन ऐसे लोग भी होंगे जो इससे बिल्कुल भी अपरिचित होंगे कि ये वायरस है क्या। तो पहले जान लीजिए वायरस होता क्या है। दोस्तों जिस तरह से हम इंसानों में वायरल हो जाता है, ठीक उसी तरह से सिस्टम यानी एप्लीकेशंस को वायरस लग जाते हैं। जिस तरह से हमें बीमारियां हो जाती हैं या हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और पता चलता है डॉक्टर के पास जाने पर कि आपको वायरल हो गया है, तो ऐसा कैसे पता चलता है? जब आपका शरीर परेशान होता है, आपको अचानक से समस्याएं आने लगती हैं, तभी आप ये समझ पाते हैं कि आपको बीमारी यानी वायरल हो गया है और आप उसके लिए दवाइयां लेने लगते हैं। ठीक उसी तरह से आपके सिस्टम के साथ भी होता है, यानी आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप के साथ भी यही होता है कि अचानक से उनमें एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लगती है। ये संकेत आपको सिस्टम देता है, लेकिन आप अनभिज्ञ रहते हैं और नहीं समझ पाते कि अचानक ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसी को लेके आज हमारा ये पूरा वीडियो है कि वायरस होते क्या है। तो दोस्तों वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये ऐसी अनवांटेड फाइल्स होती हैं जो अपने आप आपके मोबाइल या फिर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आकर स्टोर हो जाती है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसके लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम्स को या अपने मोबाइल्स को बचा सकते हैं, जिन्हें एंटीवायरस कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है या इस तरह के एप्स नहीं है, तब ऐसे में आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस है? इसके लिए ही आज हमारा ये पूरा वीडियो है, यानी कैसे आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, इसके लिए हमारा आज का ये वीडियो है। तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों मोबाइल फोन में इंटरनेट का उपयोग करने से मोबाइल में वायरस आने का खतरा अधिक रहता है। यदि आप अपने मोबाइल की केयर ना करें तो इससे आपका मोबाइल समय से पहले खराब हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए गूगल इसमें हमारी मदद करता है। जी हाँ, गूगल ही आपको मोबाइल में आने वाले वायरस के बारे में बताएगा। अक्सर यूजर अपने मोबाइल में कुछ डाउनलोड करते ही रहते हैं, किसी दूसरे यूजर से डेटा भी लेते हैं और यही कारण हो सकते हैं आपके मोबाइल में वायरस आने का भी। इसके साथ ही एंड्रॉइड फोन के लिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की जाती है और यह एप्लीकेशंस भी आपके मोबाइल में वायरस लाने का काम कर सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि मोबाइल में वायरस है कैसे पता चलेगा आपको। दोस्तों आपके मोबाइल में वायरस है इसका पता वैसे एंटीवायरस जैसा हमने आपको बताया उसके थ्रू तो पता चल जाता है, लेकिन यदि आप बिना एंटीवायरस के इसका पता करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे यदि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ही फोल्डर की कॉपी बनती रहती है तो आपके मोबाइल में यह वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है। आपके मोबाइल में इंटरनेट ऑन होने पर ऑटोमेटिक ही कुछ डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाए तो ये भी वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है। आपके मोबाइल में वायरस होना तो फोन की बैटरी या फिर फोन की परफॉर्मेंस के सही होने के बावजूद भी आपका फोन यदि हैंग, आपकी फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगी, अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो ये भी वायरस के कारण ही होती है। ये थी कुछ बातें जिससे ये पता चलेगा कि आपके मोबाइल में वायरस है कि नहीं, यानी ध्यान देने योग्य बातें। अब आगे ये बताते हैं कि मोबाइल को वायरस से कैसे बचा सकते हैं आप। यदि आपको लगे कि आपके फोन में वायरस है तो आप को वायरस को अपने मोबाइल से हटाने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे चेक करें कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए गए ऐप सिक्योर है या नहीं, यानी ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा अपने फोन में। सबसे पहले आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिए। एक ऑप्शन आपको गूगल मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, मतलब ओपन कीजिए। इसके बाद आपको एक लिस्ट सो होगी, आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ऐप भी शो होंगे, साथ ही मोबाइल में जो इंस्टॉल है ऐसे ऐप शो होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आपको शो होंगे। यहाँ पर स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स का एक ऑप्शन होगा, ऑन होगा। यदि आपके फोन में यह ऑन नहीं है, ऑफ है, तो इसे तुरंत ही ऑन कीजिए। इसके बाद आपको इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्ट का ऑप्शन भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन यह ऑफ होगा, इसको आप ऑन कीजिए।
सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश का क्लिक करना होगा और आपका मोबाइल स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि फोन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो फोन के लिए सही नहीं होगी, यह आपको इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत देगा। तो दोस्तों, अब आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में वायरस है या नहीं, और गूगल की यह सर्विस आपको पूरी जानकारी यहां देगी। यह फीचर केवल ऐप ही नहीं मोबाइल को भी स्कैन करती है और हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में भी आपको बताएगी। तो जिनके भी एंड्रॉइड्स में ये ऑप्शन ऑफ है, उनको तुरंत ही ऑन कीजिए और इस फीचर का आनंद लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए एंड्रॉइड के साथ। और हाँ, ऐसे ही रोचक सब्जेक्ट या विषय हम आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।